हेलो गाइस, आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ हुंडई आई ट्वेंटी जो एक्टिव है उसका जो क्लॉक स्प्रिंग है जो स्टेयरिंग के अंदर लगती है। ये देखिए क्लॉक स्प्रिंग, इसका जो है ये पत्ता जो है ये टूट चुका है। तो बेसिकली ये तो रिपेयर होती नहीं है, मगर हम लोगों ने ट्राई कर रहा हूँ रिपेयरिंग करने के लिए। तो इसका जो है हॉर्न नहीं बजता, ये टूट जाने से हॉर्न, एयरबैग वगैरह, लाइट सब जल जाती है। तो हम लोगों ने खोला, देखा, ये जो देख पा रहे हैं आप जो सोल्डरिंग की हुई है, ये अभी एक पत्ता हम लोगों ने रिसेंटली अभी सोल्डरिंग किया है। तो ये देखिए, इसमें जो ये वाइट कलर का जो पत्ता है, ये से में हम लोग ने अभी सोल्डरिंग किया हुआ है। और बाकी और एक जो है ये देखिए, ये जो है इसे अभी जो है गर्म करके इसका जो मेटल है वो हम लोग अभी बाहर निकाल रहे हैं। तो सेम प्रोसेस में इसी को भी वैसे ही सोल्डरिंग किया जाएगा। और गाड़ी में अभी आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए हुंडई की है। तो इसका हॉर्न जो है वो नहीं बज रहा था, और जो एयरबैग की एयरबैग का जो सिंबल है वो ब्लिंक हो रही थी डैशबोर्ड में। ये है स्टीयरिंग बॉक्स, और ये देखिए, ये जो आप देख पा रहे हैं ये है एयरबैग जो है, ये बलून जो खुलती है इसी से खुलती है, यही जो है एयरबैग का सिस्टम है। तो ये जो है स्टीयरिंग में लगती है, और जो क्लॉक स्प्रिंग जो अभी हम लोग अभी सोल्डरिंग कर रहे हैं वो मैं जूम करके दिखा रहा हूँ। ये जो आप देख पा रहे हैं जूम करके मैं जो दिखा रहा हूँ आपको, इसके अंदर वो बैठ जाती है। ये खराब होने के कारण से आपका जो है इसके अंदर क्लॉक स्प्रिंग बैठती है, उसके बाद आपका स्टीयरिंग दोबारा लगेगा इसके ऊपर, जितने भी स्टीयरिंग में बटन्स वगैरह। फिलहाल अभी तो आपका सोल्डरिंग का काम रिपेयरिंग करके चालू है। चलिए देखते हैं फिर कितना आगे बढ़ा ये सोल्डरिंग। तो ये देखिए बहुत ही बारीकी से करना पड़ता है इसका, एक एक जो है बहुत छोटी छोटा पार्ट्स है ना, इसी की वजह से बहुत बारीकी से करना पड़ता है। तो थोड़ा टाइम लगता है, मगर अगर प्रॉपर्ली किया जाए तो ये सक्सेस हो जाएगा। ये देखिए, ये एक्चुअली जो आयरन जो है गर्म करके इसे इस वही पत्ता जो है इसमें लगी हुई थी तो टूट चुकी है यहाँ से। तो पुराना जो इसमें मेटल लगा हुआ था वो अभी हम लोग इसे निकाल रहे हैं। निकालने के बाद जो पत्ता का जो फ्रेश जो निकला हुआ है वायर वो इसके साथ फिर सोल्डर होगा। ये देखिए, ये लॉक के अंदर ये अंदर जा चुका है। ब्राइटनेस अलग कोड़ी लोले बेटर हो वो फिट हो गए थे। ये देखिए अभी इसको शोल्डर कर रहा है माल के आयरन से। शोल्डर करने के बाद बाकी का जो असेंबली है वो फिर फिट करेंगे। बस लगभग फिनिश हो चुका है, बहुत ही छोटा लगता है। एक पहले वाला पत्ता तो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, ये सेकंड पत्ता है जो है, ये दो पत्ता ही रहता है इसमें, टूट चुका था। ये जो अभी जो भाई साहब सोल्डरिंग कर रहे हैं वो पूरा ही बेवड़ा है, इसकी वजह से थोड़ा सा अभी। ये देखिए सोल्डरिंग हम लोग का कंप्लीट हो चुका है, अभी जो है इसका जो असेंबली है वो बाकी का फिट होने वाला है। दिखा रहा हूँ अभी, ये देखिए इसको अच्छे से रोल करके आराम से डालना पड़ेगा। इसको बहुत केयरफुली से लगाना होगा, हालांकि ये क्लॉक स्प्रिंग रिपेयरिंग होती नहीं है। अभी हम लोगों ने ट्राई किया है करने के लिए। ये जो है देखिए साजिद, बहुत ही पियक्कड़ आदमी है, फिलहाल इसे अभी डीप आके इसने सोल्डरिंग किया। अभी जो है
इसका बाकी का कंपोनेंट जो है वो फिट हो रहा है। इसके बाद हम लोग गाड़ी में टेस्ट करेंगे कि हॉर्न वगैरह बजती है कि नहीं। হেলিকপ্টাৰ বহুত দূৰ কৰিলে, মই এতিয়ালৈকে ট্ৰেইনেৰে বনোৱা নাই, সেইটো বনোৱা নাই। ইমান মজবুত ধৰি থৈছে মই, বঢ়িয়া চি হৈ গিয়া ফিট আৰু ट्राई कर रहे हैं, देखते हैं ये हॉर्न बजता है। सब सारे कनेक्शन की तो आप लोगों ने सुना ये हॉर्न जो है वो ऑलरेडी हो चुका है, इसका काम कंप्लीट हो चुका है। और ये हॉर्न जो है पहले नहीं बज रही थी, अभी बजने लगी है। अभी जो है इसका क्लॉक स्प्रिंग फिट हो चुका है, बाकी स्टीयरिंग इसका बाकी ये फिट होने के लिए। सो गाइस एकदम देखिए, अगर आपको बस पसंद आया वीडियो तो प्लीज लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। हाँ हाँ ना कि ठीक है हॉर्न तो एक बार लगा बजा चाह लो कनेक्टर तो लगा কানেক্টৰ কিবা কিবি খোলা নাই।